फिल्म को दोनों तरफ से क्रिटिक्स का और पब्लिक का मिलेगा, तो ये बहुत बहुत वी आर सो हम्बल्ड फ्रॉम इनसाइड कि ये ऐसा हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस है और फिल्म के अभी भी शो हाउसफुल जा रहे हैं। अभी भी मुझे थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या ने बताया कि उनको संडे को किसी भी थिएटर में टिकट नहीं मिला, तो वो कल जाके उनको टिकट मिला, तो वो नाराज़ भी थे और बहुत खुश भी थे इस बात से। सी मेरे लिए तो ज़रा भी मुश्किल नहीं था। आई थिंक मुश्किल काम तो सब विशाल जी ने कर ही लिया था अपने लिखने में। आई थिंक मेरा काम जो था एकदम आसान था कि विशाल जी से मिली एंड जो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए, वो इतनी अच्छी थी कि उससे मना करने तो चांस ही नहीं था। एंड सेकेंडली ये एक बात कहूँगी कि प्रोड्यूसर होने के जब कॉन्फिडेंस अपनी कहानी पर होता है ना, देन यू डोंट वरी अबाउट कि हाउ द फिल्म विल ओपन, बिजनेस कैसे खुलेगा। यू नो, काफ़ी निडर होकर बॉक्स ऑफिस तक हम लोग पहुँचते हैं, बट जितनी अप्रिसिएशन ये फिल्म को मिली है, जैसे मिली है, वो इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। सो इट्स वर्क वेरी वेल। वो जितना कहो उतना कम। विशाल जी में एटलीस्ट इंडस्ट्री में मैं ये कहूँगी एक खासियत है कि वो बहुत इन्वॉल्व कर रखते हैं। कुछ चीज़ नहीं है जो विशाल जी खुलकर बात नहीं करेंगे एंड इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर से बैठे हुए हैं। तो ये जो फिल्म है इतनी करीब है हम जंगली पिक्चर्स के, ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लगता है कि ये हमारी ही फुली हमारी पिक्चर है। देखिए, कोर्ट केस के ऊपर एक फिल्म बन तो सकती है, जो कोर्ट में जो केस चला है, तो देखते हैं अगर ज़रूरत होगी तो बनाएंगे। आई थिंक विशाल जी ने राइट कहा है कि बन सकती है, मटेरियल बहुत है एंड आगे देखते हैं, ये ख़त्म होने के बाद आई थिंक बैठ कर सोचेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।